ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। नमस्कार। बात 1882 साल की है। श्री नवगोपाल घोष और उनकी धर्मपत्नी निस्तारिणी देवी, ये दोनों बड़े ही आनंद से एक सुसंवादी सुंदर ऐसा सांसारिक जीवन यापन कर रहे थे। उनके लड़के बच्चे भी थे। कृष्णनगर में रहने वाले एक भक्त जिनका नाम किशोरी मोहन रॉय था, ये किशोरी मोहन रॉय नवगोपाल घोष जिनका चरित्र आज हम चिंतन करने जा रहे हैं, उनके परिचय के थे। और 1882 साल किशोरी मोहन रॉय के साथ नवगोपाल घोष और उनकी धर्मपत्नी निस्तारिणी देवी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर में पहुंच गए थे। यह रामकृष्ण देव के साथ उनका पहला साक्षात्कार था। प्रथम दर्शन में ही श्री रामकृष्ण देव ने लड़के बच्चे कहाँ कितने हैं, कहाँ रहते हैं इत्यादि सब कुछ पूछ लिया। और फिर श्री रामकृष्ण देव ने नवगोपाल घोष अर्थात नवगोपाल बाबू को रोज कीर्तन करने का उपदेश किया। ठाकुर की यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी जब अपने घर वापस गए तो घर वापस जाने के बाद दूसरे दिन से नवगोपाल बाबू रोज शाम को ऑफिस से वापस आने के बाद झांझ मृदंग के साथ कुटुंब के सभी सदस्य उपस्थित रहते थे और झांझ मृदंग इत्यादि बजाकर संकीर्तन किया करते थे। देखिए नवगोपाल बाबू की कहानी यहाँ से ही शुरू होती है। यहाँ से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से उनके आध्यात्मिक जीवन की कहानी शुरू होती है। श्री रामकृष्ण देव का दर्शन और उनके द्वारा दिया गया उपदेश कि रोज कीर्तन किया करो, भगवान का नाम लिया करो, जिसको लेकर नवगोपाल बाबू बहुत सीरियस और उन्होंने ठाकुर के उपदेश का हूबहू पालन किया। देखते देखते 3 साल गुजर गए और 3 साल के बाद 1885 एक दिन नवगोपाल बाबू के मित्र किशोरी मोहन रॉय दक्षिणेश्वर में पधारे थे, ठाकुर के पास पहुंच गए, ठाकुर का दर्शन किया और किशोरी को देखकर ही श्री रामकृष्ण देव ने यह प्रश्न किया कि अजी 3 साल पहले आपके एक मित्र आप यहाँ मिलने आए थे बादुड़ बागान नाम के किसी एरिया में, वे रहते हैं ऑफिस में बड़े पद पर, उनका उनकी नौकरी है, गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ देते हैं, वे कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है, उनको मुझसे भेंट करने के लिए ज़रूर कहना। और किशोरी मोहन ने जब यह बात नवगोपाल बाबू को बताई कि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण आपको याद कर रहे थे, तो नवगोपाल बाबू को तो आनंद निश्चित हुआ। आनंद से ठाकुर की अहेतुक दया का विचार
मन में आते ही उनके आँखों में आनंद के आंसू भर आए। नवगोपाल बाबू, इनका जन्म 1832 में बंगाल के हावड़ा ज़िले में बेगमपुर नाम के एक छोटे से खेड़े गांव में हुआ था। हेंडरसन कंपनी में वे वरिष्ठ अधिकारी थे। महीना 300 रुपये तनख्वाह थी। काफ़ी हट्टे कट्टे थे। हाँ, वर्ण कुछ काला सांवला सा था, लेकिन उनके मुखमंडल पर हमेशा एक आनंद की झलक रहती थी। स्वभाव से बड़े ही सरल, दानशूर और भगवत भक्त थे। उनकी पत्नी के निधन के बाद ही निस्तारिणी देवी से उनका विवाह हो गया था और तब से दोनों पति पत्नी श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते थे और इसीलिए ठाकुर के उपदेश के अनुसार 3 वर्ष तक नाम संकीर्तन में उन्होंने व्यतीत किए थे। बीच में किसी दिन का नागा नहीं था और ठाकुर की बात सुनकर वे बड़े आनंदित हुए और जब ठाकुर से मिलने आ गए तो श्री श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा कि 3-4 बार अपनी तरफ इशारा करते हुए ठाकुर कहने लगे, यहाँ आया जाया करो, यहाँ आने जाना करने से ही तुम्हारा भाव, भक्ति का भाव अधिक सामर्थ्यशाली हो जाएगा, भक्ति के उच्च स्तर पर तुम आरूढ़ हो जाओगे। देखिए, भगवान के उपदेश का हूबहू पालन करने का परिणाम यह होता है कि साक्षात ईश्वर अवतार श्री रामकृष्ण नवगोपाल बाबू से कह रहे हैं कि यहाँ आने से तुम भक्ति के उच्च स्तर पर आरूढ़ हो जाओगे। ये भक्ति के उच्च स्तर पर आरूढ़ हो जाना, देखिए यही साधन भजन की बात है। हमारे हृदय में जब भगवान की भक्ति आती है तो वह दो काम करती हैं, दो प्रकार से काम करती हैं, दोहरा काम करती हैं। पहला तो यह, जब भगवान का भाव हृदय में आता है तो हम राग द्वेष से बच जाते हैं। भगवान की भक्ति साधक को राग द्वेष के चुंगुल से बचा लेती हैं। और दूसरी बात, जब हम अपने हृदय में भगवान को, भगवान की भक्ति को लाते हैं तो जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं उनके बारे में ज्ञान होने लगता है। तो परिणाम क्या हुआ, हृदय में भगवान को और भगवान के भक्ति को लाने का परिणाम क्या हो गया कि संसार के प्रति यह जो राग द्वेष रहता है, जिन जिन बातों से हमको सुख मिलेगा ऐसी भावना होती है उसके प्रति हम आसक्त तो हो जाते हैं, उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। और जो बातें हमारे सुख में बाधा लाने वाली हैं ऐसा हमको अनुभव में आता है तो उसके प्रति हमारे अंतकरण में द्वेष की भावना आ सकती है। लेकिन हृदय में भगवान और भगवत भक्ति जब जागृत हो जाती है तो उसका परिणाम यह होता है कि जिसके प्रति राग करने से, द्वेष करने से हमारी भक्ति में बाधा पड़ सकती है, भक्ति हमको इन दोनों चीज़ों से बचा लेती हैं, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भक्ति हृदय में आने से जिसके प्रति भक्ति है उसका वह ज्ञान करा देती है, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे नवगोपाल बाबू को श्री रामकृष्ण देव के प्रति भक्ति
श्री रामकृष्ण देव के उपदेश का हूहू पालन और उसका परिणाम श्री रामकृष्ण देव के प्रति वह साक्षात भगवान है, अहैतुक कृपा सिंधु है, यह भावना हृदय में दृढ़ हो गई। हाँ, एक बार ऐसा वर्णन आता है कि नवगोपाल बाबू ने रविवार के दिन कोलकाता में एक उत्सव का आयोजन किया था और श्री रामकृष्ण और उनके भक्तों को सभी को आमंत्रित किया था। श्री रामकृष्ण देव पधारने वाले हैं इसलिए मनोरंजन के लिए गायक वादक भजन गाना संकीर्तन करना सबका सुंदर आयोजन किया हुआ था और खाने पीने की मेजबानी की तैयारी भी करके रखी थी और सब कुछ बड़ा आनंद से मनाया जा रहा था। नवगोपाल बाबू ने अपना जो श्राइन जिसको हम बोलते हैं भगवान का घर जो होता है, हर घर में हम भगवान को एक जगह बसाए रखते हैं, वेदी पर भगवान की स्थापना करते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं। तो नवगोपाल बाबू ने भी ठाकुर पधार रहे हैं यह बात याद रखते हुए अपने श्राइन को देवघर को बहुत सुंदर ढंग से सजा कर रखा था। पंडित जी को बुलाया था, भागवत पाठ करवाया था, सभी बड़े सुंदर ढंग से हुआ था और ठाकुर भी बड़े आनंद में थे। हाँ, बाहर आंगन में संकीर्तन हो रहा था, वैष्णव संकीर्तन चल रहा था, कृष्ण का कीर्तन चल रहा था, सभी लोग आनंद में भक्ति रस में डूब गए थे और अंदर में बैठे हुए श्री रामकृष्ण भी बाहर आ गए और गायक वादक जो कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं तो बांसुरी वादक कृष्ण की पवित्र भावों में श्री रामकृष्ण गाढ़ समाधि में डूब गए, उसी तरह समाधि भाव में खड़े हो गए। नवगोपाल बाबू ने तुरंत क्या किया, एक सुंदर फूलों का हार लंबा सा ठाकुर के गले में झट से पहना दिया और ठाकुर को घेरा लगाकर कीर्तन करते रहे सभी भक्तगण। अंत में जब ठाकुर भाव भूमि से साधारण भाव भूमि पर उतर आए, अभी कुछ भाव ठाकुर के देह पर मन पर अभी छाया हुआ था, अभी भी कुछ भाव ठाकुर कुछ भाव मग्न से थे, तो नवगोपाल बाबू ने ठाकुर के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हुए उन्होंने पूछा, महाराज संसार में डूब गया हूँ, संसार के सभी कर्तव्य कर्म निभाते निभाते इसी में जैसे मैं फंस गया हूँ, बाहर कैसे आऊँ, कुछ उपाय बताइए। नवगोपाल बाबू की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने जवाब में कहा, उत्तर देते हुए कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता क्यों कर रहे हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सारे दिन में एक बार मेरा स्मरण जरूर कर लिया करना। अपनी तरफ इशारा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने नवगोपाल बाबू को सिर्फ इतना कहा कि यहाँ का सारे दिन में एक बार यहाँ का स्मरण कर लेना। देखिए, भक्ति अगर हृदय में आ जाती है, भगवान को अगर हम हृदय में धारण कर लेते हैं तो अहैतुक कृपा सिंधु भगवान भी भक्त का कल्याण किस प्रकार करते हैं इसका यह एक जीवंत उदाहरण है। श्री रामकृष्ण देव ने नवगोपाल बाबू का निमित्त बनाकर जैसे हम सभी को सचेतन कर दिया है कि दिन में एक बार सच्चे हृदय से भक्तिपूर्ण अंतकरण से श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री रामकृष्ण देव का स्मरण जरूर करना। देखिए, हम
मानव है, सर्वसाधारण मनुष्य हैं। इतनी सिंपल सरल बात हमको बहुत बार पसंद नहीं आती। हमको ऐसा लगता है क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी इतनी सरल उपाय के द्वारा क्या हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन बात तो वही होती है, क्योंकि ये जो शब्द हैं, जैसे श्री रामकृष्ण नवगोपाल घोष को जो बोलते हैं कि सारे दिन में यहाँ का, अर्थात श्री रामकृष्ण देव का एक बार स्मरण जरूर कर लेना, तो यह कहने वाला कोई हमारे जैसा सामान्य मनुष्य नहीं है। ये भगवान के श्री मुख से आए हुए उद्गार हैं, वे कभी मिथ्या नहीं हो सकते। भगवान की वाणी पर, उनके उपदेशों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जीवन में जहाँ तक हो सके संशय को स्थान नहीं देना चाहिए। संशय हमको अज्ञानी बना देता है, अज्ञान से ही अंतःकरण में संशय का उदय हो जाता है, और संशय का उदय हो जाने का परिणाम यह होता है कि इतना सरल सुंदर उपाय होते हुए भी संशय के कारण हम उस उपाय का पालन नहीं करते। परिणाम यह हो जाता है कि जो भक्ति हम हृदय में धारण किए हुए अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहते हैं, भगवान से हम इस अज्ञान के कारण, संदेह वृत्ति के कारण जुड़ नहीं पाते। भगवान इतने कृपालु होते हैं, वह यह नहीं देखते कि हम उनके पास कैसे आए हैं। भगवान यह देखते हैं कि ये मेरा भक्त है, चलकर ये मेरे पास आया है, ये मेरा स्मरण कर रहा है, तो मुझे इसको क्या देना चाहिए। भगवान हमेशा भक्त को कुछ देने की भावना ही रखता है। और भगवान के द्वारा अब हमको प्राप्त क्या करना है, भगवान अगर हमको पूछे कि बेटा क्या चाहते हो, तो जैसे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि अगर राजा हमसे पूछे कि क्या चाहते हो, तो क्या राजा के पास हम लाल कुमड़ा या लौकी मांगेंगे। भगवान जब भक्त को दयालु होकर, कृपालु होकर जब बोल रहे हैं कि बोलो बेटा क्या चाहते हो, तो क्या हम ये कहेंगे कि प्रभु और अधिक संसार के इस चक्र में ही हमको बंधे रहने दो, जन्म मरण के चक्र में हमको अटका कर रखो, क्या ऐसा हमको भगवान से मांगना चाहिए। नवगोपाल बाबू का यह जो उदाहरण है, यह उदाहरण श्री रामकृष्ण देव इसीलिए हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि देखो भगवान की कृपा तो हमेशा ही है, हम ही ऐसे नादान होते हैं जो भगवान से विवेक करके जो मांगना चाहिए वह नहीं मांगते। देखिए, एक जनवरी 1886 की घटना आप भली भांति परिचित हैं उस घटना से। 1 जनवरी 1886 उस दिन काशीपुर के उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण देव के स्पर्श द्वारा अनेक भक्तों के मन उच्च भाव भूमि पर आरूढ़ हो गए थे। उस शुभ दिन श्री रामकृष्ण देव ने सभी भक्तों के अंतःकरण की जो मनोवांछा थी वह पूर्ण कर दी थी, तो ठाकुर उस दिन कल्पतरु हो गए थे। यह बात जब नवगोपाल बाबू को खबर हो गई, तो नवगोपाल बाबू भी दौड़कर श्री रामकृष्ण देव के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करते हुए ठाकुर को पूछने लगे, प्रभु मेरा क्या होगा। देखिए,
नवगोपाल बाबू को यह जो प्रश्न आया है उनके अंतकरण में, उनके हृदय की यह भावना जरा इसकी तरफ गौर करके देखिए कि ठाकुर के संस्पर्श में आने के बाद 1882 से लगातार ठाकुर के उपदेश का पालन करने वाले नवगोपाल बाबू अब 1886 हो गया है, लगभग 4 साल हो गए हैं ठाकुर को प्रणाम करके यह जो पूछ रहे हैं, प्रभो मेरा क्या होगा। अर्थात नवगोपाल बाबू के हृदय में यह भावना है कि श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आश्रय लेने के पश्चात, जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि सारे दिन में मुझे एक बार जरूर स्मरण कर लिया करना, वह सब तो मैं कर ही रहा हूँ, फिर भी मेरे मन से अभी सांसारिक आसक्ति शायद दूर नहीं हुई है, मैं अभी भी संसार में आसक्त बैठा हूँ, इसलिए वे पूछ रहे हैं प्रभु मेरा क्या होगा। आपके चरणों में आश्रय लेने के पश्चात भी क्या सारी जिंदगी मैं इसी तरह से संसार के बंधन में ही अटका रहूँगा। जवाब में ठाकुर क्या कहते हैं, ठाकुर 2 मिनट तो चुप रह गए, लेकिन फिर नवगोपाल बाबू को श्री रामकृष्ण पूछने लगे, क्यों जी थोड़ा बहुत जब ध्यान कर सकोगे क्या तुम। तो नवगोपाल बाबू ने जवाब दिया ठाकुर को कि देखिए ठाकुर, मेरे कंधों पर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं गृहस्थ आदमी हूँ, लड़के बच्चों को खाना खिलाना, उसके लिए नौकरी करना, सारे कुटुंब का प्रतिपालन करना, ये सब तो मुझे ही करना पड़ता है, और उसके कारण नाना कामों में मैं बड़ा ही व्यस्त रहता हूँ, मुझे मेरे पास समय कहाँ है। तो नवगोपाल बाबू की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव फिर थोड़ी देर चुप रह गए और फिर से उन्होंने पूछा, क्यों जी थोड़ा सा तो जप तो जरूर कर सकोगे तुम। तो जवाब में नवगोपाल बाबू कहने लगे कि देखिए ठाकुर, ऐसी कंडीशन मत डालिए, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ठाकुर कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा भी जप नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम मेरा नाम ले सकते हो, क्या तुम मेरा नाम ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा लेना। तो जैसे ही ठाकुर ने मेरा नाम ले सकते हो क्या, ऐसा जब सवाल पूछा, तो उत्तर में नवगोपाल बाबू ने कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं आपका नाम तो ज़रूर ले सकता हूँ। तो जैसे ही यह बात नवगोपाल बाबू के द्वारा ठाकुर ने जब सुनी, तो तुरंत ठाकुर बोल उठे, वाह, बस उसी से बात बन जाएगी, उसी से बात बन जाएगी, तुमको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नवगोपाल बाबू और उनकी पत्नी का नाम था निस्तारिणी देवी। तो एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा कि एक बार निस्तारिणी देवी, जो बड़ी ही धर्मपरायण थी, जब वे ठाकुर के पास आई थी, तो उन्होंने देखा कि ठाकुर बड़ी चिंता में हैं। तो उन्होंने पूछा कि ठाकुर क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों नज़र आ रहे हैं। तो ठाकुर ने कहा कि देखो जी, ये जो बिल्ली आई है ना, ये बिल्ली ने मेरे चरणों में आश्रय लिया है, और ये बिल्ली ने सिर्फ आश्रय नहीं लिया, ये बिल्ली के कुछ बच्चे भी हैं। तो बिल्ली ने बच्चों सहित मेरे चरणों में आश्रय लिया है, अब मेरे चरणों में आश्रय लिया है तो इनकी रक्षा करना तो मेरा काम बनता है ना, और मैं इसी चिंता में डूब गया हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो निस्तारिणी देवी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए ठाकुर,
मैं इनको अपने घर ले जाती हूँ और मैं इनकी देखभाल जरूर करूँगी। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेरे लिए तुम इनकी देखभाल करोगी जरूर? तो निस्तारिणी देवी ने कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आपने जब बताया है तो मैं जरूर करूँगी। ठाकुर ने फिर से दोहरा दिया कि देखो, याद रखो, ये बिल्ली और इसके बच्चे, इन्होंने मेरे चरणों में आश्रय लिया है, इनकी तरफ खूब ध्यान रखना। और निस्तारिणी देवी उस बिल्ली को और उन बिल्ली के बच्चों को अपने घर ले गई, उनको अच्छे से खाना पीना खिलाया करती थी। देखते देखते वे बच्चे जो थे वे बड़े भी हो गए और चले भी गए, जैसा होता है हम देखते हैं। और वो जो बिल्ली थी वह बीमार होकर एक दिन चल बसी। तो मृत्यु के समय निस्तारिणी देवी ने श्री रामकृष्ण देव के, गुरु महाराज के चरणों का जो गंगा जल होता है वह बिल्ली के मुख में दे दिया एक तरह से। तो देखिए, बात यह है, ये छोटी सी घटना दिखती छोटी सी जरूर है, लेकिन यहाँ एक सिद्धांत की बात हमारे सामने आ जाती है। और सिद्धांत यह है, ठाकुर अगर बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को आश्रय देने के बाद उनका, उनकी देखभाल को लेकर अगर इतने चिंतित रहते हैं, तो अगर हमारे जैसे इंसान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अगर हम आश्रय लेते हैं, तो क्या ठाकुर हमारी चिंता नहीं करेंगे? हमारे परम कल्याण की चिंता तो श्री रामकृष्ण देव निश्चित रूप से करेंगे। यह छोटी सी घटना निस्तारिणी देवी की हमको यही समझाती हैं। नवगोपाल बाबू और निस्तारिणी देवी, उनके जो सुपुत्र थे, अपने पहली संतान को लेकर वे दोनों ही ठाकुर के चरणों में आ गए। दोनों ही ठाकुर के भक्त थे, तो ठाकुर के पास आकर उन्होंने अपने पहली संतान को ठाकुर के चरणों में अर्पण कर दिया, ठाकुर के चरणों में अर्पण कर दिया। और ठाकुर भावावस्था में खड़े हो गए और मेरे नवगोपाल घोष और निस्तारिणी देवी को कहने लगे कि अरे वाह, तुम इस छोटे से नन्हे से बच्चे को मेरे पास ले आए हो, बहुत अच्छा, तुमने इसको मुझे अर्पण कर लिया है, ये भी बहुत अच्छा, लेकिन अब इस बच्चे को तुम अपने घर ले जाना और इस बच्चे को संभालना, इसको बड़ा करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। और आपको शायद पता नहीं होगा, श्री रामकृष्ण देव के चरणों में चढ़ाए गए नवगोपाल घोष और निस्तारिणी देवी के ये जो पुत्र हैं, जिनका नाम निरोध था, जो आगे चलकर रामकृष्ण संघ में स्वामी अंबिकानंद नाम से परिचित हो गए। तो ये कहानी है नवगोपाल घोष और निस्तारिणी देवी की। एक बड़ी ही सुंदर घटना यहाँ बताना चाहूँगा। ये घटना है श्री रामकृष्ण देव के फोटो की, छाया चित्र की। यह कहानी, ठाकुर के फोटो की कहानी, निस्तारिणी देवी, नवगोपाल घोष उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने सिस्टर देव माता से ये महत्वपूर्ण घटना बताई थी। उन्होंने कहा था, सिस्टर देव माता को ये घटना का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार मैं काशीपुर उद्यान भवन में गई थी, नीचे बहुत से भक्त जमा हुए थे और मैं भी वहाँ भक्तों के साथ बैठ गई, मन ही मन ठाकुर के दर्शन की कामना कर रही थी। तो थोड़ी देर के बाद में श्री श्री रामकृष्ण देव ने, जिनको मैं गुरु महाराज कहती हूँ, तो मेरे गुरु महाराज, उन्होंने अपना फोटो अर्थात छाया चित्र नीचे भेज दिया और
जिसके हाथों से भेजा था उससे उसके द्वारा मेरे पास यह संदेशा भेजा कि आज इस फोटो को देखकर ही समाधान मान लेना, संतोष कर लेना। और बाद में उस चित्र को उन्होंने मेरे से मांग लिया और फिर कहा कि देखो यह छायाचित्र रेलवे के डिब्बे में, जहाज में, लोग जहाँ जहाँ जाएं खीसे में यह फोटो, यह छायाचित्र रखकर इसकी पूजा सेवा होगी। देखिए आज भी यह बात हमको साफ हम अनुभव करते हैं। लाखों करोड़ों ऐसे भक्त हैं जो निश्चित रूप से जब यात्रा पर निकलते हैं, ऑफिस में जाने के लिए निकलते हैं, स्कूल कॉलेज में जाने के लिए निकलते हैं, तो अपने पर्स में या अपने खीसे में ठाकुर का फोटो ज़रूर रखते हैं। लेकिन यह बात स्वयं श्री रामकृष्ण देव ने निस्तारिणी देवी को अपना फोटो भेजकर, अपना छायाचित्र भेजकर यह बात स्पष्ट रूप से बताई थी। जो बात श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से आई थी आज हम देखते हैं वह वास्तविक सत्य सत्य रूप में परिणत हुई। नवगोपाल बाबू जो हावड़ा के कलकत्ते में कहीं उनका बादुड़िया बागान वगैरह इधर उनका मकान था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने उनके उत्तर आयु में जब वह काफ़ी थोड़ी उम्र हो गई थी तो हावड़ा ज़िले में रामकृष्णपुरम नाम की एक सोसाइटी, एक जगह है, वहाँ नवगोपाल बाबू ने अपना घर ले लिया और वहाँ उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के फोटो की स्थापना की। यह घटना 1898 साल की है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे थे। अमेरिका से लौटने के बाद नवगोपाल बाबू ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि नरेन, मेरे घर में ठाकुर की पूजा सेवा के लिए तुम जरूर आना, तुम्हारे द्वारा ही ठाकुर की पूजा सेवा होगी। और 6 फरवरी 1898, देखिए आज 7 फरवरी हैं, आज 7 फरवरी हैं, 7 फरवरी को यह बात रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मूल बात यह मैं बताना चाह रहा हूँ कि 6 फरवरी को नवगोपाल बाबू के यहाँ स्वामी विवेकानंद खुद जाकर उन्होंने ठाकुर के फोटो की स्थापना की और ठाकुर के फोटो की छायाचित्र की स्थापना करते हुए वहाँ भजन गाया और जो प्रणाम मंत्र उच्चारण किया, जिसका उच्चारण रामकृष्ण संघ में ठाकुर के प्रणाम मंत्र के रूप में सबको परिचय का है, ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो यह कहानी श्री रामकृष्ण देव की है। श्री रामकृष्ण देव का यह प्रणाम मंत्र नवगोपाल घोष उनके रामकृष्णपुरम नाम के जो एरिया में उनका जो घर है, नया घर जहाँ ठाकुर की वेदी पर स्थापना करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक भजन गाया था। भजन के बोल थे, दुखिणी ब्राह्मणी को ले, अर्थात दरिद्री ब्राह्मणी की गोद में यह कौन सोया है। यह श्री रामकृष्ण देव पर रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर भजन है। तो नवगोपाल घोष और निस्तारिणी देवी ने स्वामी विवेकानंद और उनके साथ में जो भी लोग आए थे सभी भक्तों का स्वागत किया और ठाकुर को उन्होंने विवेकानंद जी से कहा कि देखो तुम ठाकुर की प्रार्थना करना,
तो नवगोपाल बाबू की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अरे भाई, ठाकुर की सेवा पूजा जो तुम करने वाले हो, कर रहे हो। थोड़ा सा विनोद करते हुए स्वामी विवेकानंद कहने लगे कि अरे ठाकुर के 14 जनरेशन में भी कभी कोई संगमरमर के इस ऐसे सुंदर पूजा गृह में नहीं बैठा था। आज आपने गांव में खेड़ा छोटे से खेड़े गांव में झोपड़ी में जिनका जन्म हुआ, उन श्री रामकृष्ण देव को यहाँ लाकर सुंदर मार्बल की वेदी पर स्थापना की है, तो क्या ठाकुर यहाँ विराजमान नहीं रहेंगे? वे निश्चित यहाँ विराजमान रहकर भक्तों की पूजा ग्रहण करेंगे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ऐसा कहकर स्वामी विवेकानंद जी ने ठाकुर को प्रणाम किया। आज बस यहीं तक नवगोपाल बाबू की कहानी, हम बाकी अगले प्रवचन में करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।